भक्ताय मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकै प्रभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। हरे मुरारे मधुकै प्रभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। जगीश नारायण कृष्ण विष्णु नीराश्रय मन जगदीश रक्ष। जगीश नारायण कृष्ण विष्णु नीराश्रय मन जगदीश रक्ष। नीराश्रय मन जगदीश रक्ष 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 नीराश्रय मन जगदीश रक्ष। मदीय प्राण इष्ट प्राण वल्लभ सर्व अवतार सार कोटि मन्मथ मथिथ प्रातस्मरणीय मोर इष्ट देव भगवान क्षीराब से शिशुनंदन अवचरण अरविंद रे ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंकर स्वरूप श्री अनंतंकर स्वरूप दिव्य कांति की धरी ए धरापृष्ठ को आसिछंति। ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि एवं समस्त सद्गुरु मानंकु मो गुरुदेव विश्व प्रेमी बलयंग स्वरूप रे प्रणाम निवेदन करुचि। अनेक श्रोता मानंकु भगवत पिपासु मानंकु आपण माने जीवन भावरे भावरे भागवत कथा श्रवण करुचंति। प्रतिदिन सकाळे आपण मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि एवं एतिकि ही कहुचि जे आपण माने जो सतसंग करुचंति ना ताहा ही संचय करिकि जीवन रे रखुचंति। आउ एही कथा जहा ए सेवक गोपाल कहुचि आपण माने निश्चित भावरे देखंतु आपण दिनकु केमिति आपण दिनटु केते सुखमय करिवो केते आनंदमय करिवो। तापरे आउ गोटे कथा सबु किछि हजि जीवो किंतु एही कथा आपणक कानरे शेष पर्यंत सेही भुली गुंजरित हेउथिबो गोपाल कोन कहुथिला भावरे भागवत। आज से कथा को श्रवण करिछंती बोली से भगवान सहित मिसिछंती बोली तंकर उत्तर दायद राजा परीक्षितंकर कथा को परीक्षितंकर कथा को चिंता करि परुछंती। ज्योतिष मान को डाकिछंती एवं ज्योतिष जते बेले कहिछंती जे तंकू सर्प दंशन करिवो सर्प दंशन रे तंकर मृत्यु घटिवो। सेति पई मन दुख करुछंती से मन दुख करना मृत्यु पे मन दुख करना सर्प दंशन करिबो एवं सर्प दंशन करिबो द्वारा जो मनीषटी मृत्युवरण करिबो ना तार अनेक इच्छा थिबो से इच्छा ही
मनीष को मुक्ति दे दिए ना तेणु को ये इच्छा शक्ति केते बेले नष्ट हुए जिते बेले जड़े भक्त हो जाए भगवान सेवक बोली निज को मन करे प्रिय सज्जन युधिष्ठिर चिंता करुछन्ति मन मन भावुछन्ति कौन करा जीव पंडित मानू डकेले पंडित माने समस्ते आसिले कले ज्योतिष माने एई कथा कहुछन्ति कौन करिबा किभळी आसिकी गोटे दुख पहुंची गला देखंतु आमो पाखरे जेते बेले आमर गुरुजन माने थांदी ना सेते बेले आमो पाई से चिंता करंती आदि सेई भळी जणे गुरुजन मानू पाई थिवारु तांको जीवन आज धन्य होई जाइछ आजि मने मने चिंता करुछंती एवं पंडित मानू पचारुछंती कौन हब कौन करा जीव पंडित माने देखुछंती हसुछंती युधिष्ठिर कहुछन् राजा युधिष्ठिर कहुछन् ये कौन हसुछन्ति कौन पंडित मान पचार पंडित मान कहले महाराज युधिष्ठिर आपण जो मन दुख कर मन दुख कर किसी कारण ना मृत्यु तो समस्त को आसीब आसुथिब एक हम किंतु तुमर जो परीक्षित ना सी भगवान गोटे श्रेष्ठ भक्त हब ये कथा तुम शुणीदेल ना राजा युधिष्ठिर खुशी हो गले मन भितर चिंता सब दूरीभूत हो गला आमे पिला मानु को कौन नहीं खुशी होच केते बे आमे भाभीचु जे मु कोडा गोटे भलो भक्त टी हो भलो सतसंगी हो भलो भगवत पिपासु हो केते बे एकथा आमे चिंता करिनि एकथा वास्तव रे सत्य आज समाज भितर धर्म प्रचार करने कष्ट साध्य पड़ी जीवन रे सत्य को प्रतिष्ठा करिबा एबे नुह जुग जुग धरी कष्ट साध्य नवदीप धाम रे जन्म नहीं महाप्रभु चैतन्य जितेबे तांकर नाम थिला निमाई महाप्रभु से निमाई थिले स्कूल रे पाठ पढ़िया पाई आउथिले निमाई नवदीप स्कूल रे पाठ पढ़ुथिले जितेबे चाटसाड़ी थिला जने ब्राह्मण परिवार रे से जन्म हिथिले बोली से संस्कृत अध्ययन करथिले एवं बहुत बड़ ज्ञानी थिले किंतु देखंतु तुलसी दुई पत्र बासुथिबा बेले बिछुआती दुई पत्र कुंडाई हुए बोली महाप्रभु चैतन्य अल्प बयसरु सांग मानंकु खुशी करिबा पाई निजर पांडित्य को मध्य से गुप्त रखंती सांग माने समस्त तंकु बहुत भल पांती आउ सही महाप्रभु चैतन्य सही निमाई धीरे धीरे बड़ हेले एवं तांकु विवाहर करई देले लक्ष्मी प्रियांग सहित निमाई जेते लक्ष्मी प्रियांग विवाह करिले किंतु तांकर लक्ष्य थिला बंगलार पश्चिम भागरे किभली संस्कृतर प्रचार करिबे तो सेथिपाई से जाइथिले नूतन विवाहित हेथिबा से पत्नी लक्ष्मी प्रियांग बुझेले एवं बुझे कि से चली जाइथिले आउ जेतेबेला जाइकी पहुंची गले चारियाड़े पहुंचुचंदी चारियाड़े तांकर सम्मान बढ़ी बढ़ी चलिछि जो माने दिग्विजयी पंडित भाव रे काशीरु आसंती काश्मीर आसंती समस्ते घोड़े आसंती हाथी रे आसंती अनेक धन संपत्ति जय करी करी आसंती जेते बेले निमाई हावुड़े पड़ी जाती ना समस्ते हारी जाती
ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି ନା, ସେ ଅହଙ୍କାର ସେ ଆପେ ଆପେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ସୁବିଦିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଟିକେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ଟିକେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବଂ ସେ ଏକାନ୍ତ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆସିକି ଜଣେ ବସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁଜନ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ତୁମେ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଏଇ ଛଦ୍ମ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ତୁମେ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦବ, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ କଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ଆପଣ କଣ ମୋ ପାଦ ଧରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଛଦ୍ମ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ମତେ ତମେ ଦୂରେଇ ଦିଅ ନା, ମତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଅ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି କହୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନି, ମତେ କହିଲେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ନିମାଇ। ଆଉ ସେଇ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର, ଏ କଳିଯୁଗରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ ଜୀବନର ସାର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ କଣ। ପାଦ ଧରିକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ନିମାଇଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରିକି ସେ ଗୁରୁଜନ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିଲେ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ କହିବାକୁ ତମକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତମେ ନ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ପାଦକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ପାଦକୁ ଧରି ସେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ନିମାଇ, ଯିଏ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କୃତି ଦଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟାମ୍ ଜୟତେ ମଖି ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟଂ କଲୌ ତତ ହରି କୀର୍ତ୍ତନମ୍। ତୁମେ ବୁଝ, ତୁମେ ଜାଣ, ତୁମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ପାଦକୁ ଧରିଛ ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କରିଲେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେଡ଼େ ମନୋହରରେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଜୀ ସେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବୃଦ୍ଧ, ଯେ ତୁମେ ବୁଝ ଯେ ସତ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ଏବଂ କଳିରେ କଣ, ହରେ ନାମେବ ହରେ ନାମେବ ହରେ ନାମେବ କେବଳମ୍ କଲୁନାସ୍ତୈବ ନାସ୍ତୈବ ଗତିରନ୍ୟଥା। ଇଏ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ମାନେ ଯେମିତି ଥରେ ନୁହଁ, ତିନି ତିନି ଥର ହରେ ନାମେବ ହରେ ନାମେବ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରି ନାମ ହଉଛି ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମେବ କେବଳମ୍। କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି
हरिंकर नाम हरिंकर गुण कीर्तन जो माने करुचंदी हरिंकर कथामृत जो माने श्रवण करुचंदी से माने सद्य मुक्ति दाता सेइ माने सद्य मुक्ति दातांकर कृपा पाइबार अधिकारी चिके नाम सेइ नाम रे सेइ प्रेम रे से हरि जाइछो आउ सेति पाई महाप्रभु चैतन्य गाई उठिछंदी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे धारण करेक महापुरुष माने गुरु माने समय आमे हरिचिंतन निजक विच्युत करिवानी जदि आमे हरिचिंतन आम निजक विच्युत करिदेबा ना तले जीवन नष्ट हे जीव ए जीवन रा सार्थकता को आमे नष्ट करिदेबा जहा समय जाउची से समय आ आसिबोनी जहा गला गला मु यदि चाहिबी ए सेवक गोपाल जी चाहिबो आ कोन वर्ष घर पिला हे परिबो ना प्रथम क्लास पढ़ी परिबो ना पंचम क्लास पढ़ी परिबो लगुची सतरे जेमिति आपणकर पुत्र गोपाल जेमिति आपणको पाखरी भावरे भागवत कहुचि कि गोटे बर्तमान अनुभूति एक स्वतंत्र जहाँ को हजेदे आए ना से बर्तमान हम पाखे आज पिता माता अच्छा से पिता माता को जब हजे दबा ना स्नेह श्रद्धा जी बंचित आना प्रति पर भितर जो गुरु गुरुजन मान अच्छा समस्त स्नेह श्रद्धा ममता आशीर्वाद ये पर हसी उठे आजी राजा परीक्षित राजा युधिष्ठिर परीक्षित राजगादी रे बसेबा पाई मनस्त करिसंती एवं समस्त ब्राह्मण पंडित एवं समस्त को डाकिछंती समस्त आगे घोषणा करिसंती जे आम वंशर उत्तरदायक परीक्षित को आम राजा करूछ समस्त खुशी गले समस्त खुशी अल्प वयस व्यवहारगत आचरणगत
कायिक वाचिक मानसिक स्तर रे से एते उन्नत थिले एते सुंदर थिले आपण माने देखंतु जदि आपण पाकरे सब जदि व्यवहार टिकको नाही ना शास्त्र कहउचंती ज्ञान भितरे श्रेष्ठ ज्ञान होची व्यवहारिक ज्ञान आ सेति पई ये सब शास्त्र लेखा जाईची आ आजि सेई कथा को चिंतन करी सेई हरिंगर कथा श्री कृष्णंगर कथा चिंतन करी समस्तंग आगरे परीक्षितंक मुंडरे आजि राजमुकुट पिंधि देले एवं राजा हेगले परीक्षित एवं राजा जतबे हेगले परीक्षित ये पंचु पांडव माने द्रौपदींग सहित समस्ते ये पांडव माने कौन कले आउ रहिले नाही न रहिकि चिंता कले कौन करिवे समय काम को अपेक्षा करिनी कौन कले आमे आसंता काली सकाळ ठीक एही समय रे श्रवण करिवा काहे कि ना जहांकर नाम को श्रवण करिवा द्वारा हम जीवन असि उठिबो हम परिवार असि उठिबो एवं ए संसार असि उठिबो सेही नाम होउची भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा सुनि गाई सुनि बोली भरु थारे व्यथा सुनि गाई सुनि बोली भरु थारे व्यथा भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा तुने गाई मुने बोली हरु थारे व्यथा तुने गाई मुने बोली हरु थारे व्यथा तुने गाई मुने बोली हरु थारे व्यथा तुने गाई मुने बोली ভাবরে ভাবরে ভাগবতা।